खत्म है यार यहाँ पे तो। वे भाई ध्यान से, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वो वाला सीन है इधर। बस थोड़े सा टाइम रह गया था नाश्ता करने में, तो हम लोग नाश्ता करने आ गए। और ये है यहाँ पे ब्रेकफास्ट का सीन, फ्रूट्स और जूस और जैम। एंड आई थिंक ये जैसे हंजामन का अपना लोकल था ना, ये लोकल जैम है इनका, और ये फ्रेश प्रोड्यूस और वो सारा सीन है। मैं तब से देख रहा हूँ ये क्या है, पर गौर से पढ़ा ना तो ये लिखा हुआ है मॉर्निंग पोस्ट, मतलब शायद सुबह की न्यूज़। और आज का टेम्परेचर और क्या क्या करना चाहिए आज, वो सारा बताया हुआ है। कूल टच है यार। अभी उस व्यू पॉइंट पे जाना है। ओए होए होए, वो देख कितना ऊंचा है। जिस सामने बर्फ पड़ी हुई है, और यहाँ पे हम लोग टी शर्ट पहन के खड़े हैं और हमें स्टिल गर्मी लग रही है। मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसे ही है भाई। नंगा लगा था, पैर का स्लिप हो गया था, हाँ। लेकिन यार प्रॉपर खाई नहीं है वो, देख रहे जिस तरह वो है वहाँ से स्लिप हो ना बंदा तो फिर तो गया। यहाँ से रोल करता हुआ कुछ ना कुछ बच ही जाएगा बंदे का। खत्म है यार यहाँ पे तो, और व्यू यहाँ से ज़्यादा अच्छा है यार मेरी नज़र में। हर जगह का एक हैक होता है। कल जब आप उधर गए थे ना, वो वहाँ पे उधर ऊपर, तो वहाँ पे भी फ्लैग पकड़े हुए थे लोगों ने, कुछ लोग फ्लैग के साथ खड़े होकर पिक्चर ले रहे थे। थोड़ा सा आगे जाके एक छोटा फ्लैग था जहाँ पे हैक था, जो लोग आराम से पिक्चर वहाँ पे लेते ज़्यादा अच्छे व्यू के साथ। यहाँ भी वही सीन है, सारे लोग आते हैं ऊपर चढ़ के इधर पिक्चर लेते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा इधर आके थोड़ी सी रफ़ है वहाँ से उतरने की जगह, लेकिन यहाँ एक बेंच लगा हुआ है और यहाँ से व्यू यार ज़बरदस्त। और ये देखो स्विट्जरलैंड, हेलीकॉप्टर जा रहा है वो छोटा सा नीचे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वो वाला सीन है इधर, बेहतरीन है यार स्विट्जरलैंड। यार एक ये है और एक वो है, अभी पता नहीं नेचुरल चश्मे है या क्या सीन है, लेकिन यार बहुत ही प्यारा व्यू दे रहे हैं यहाँ से। अब यार वापस चलते हैं ताकि दिन दिन में बाकी चीज़ें हम कर लें। ओए यहाँ से ना स्लांट है और उतरने में ना पाँव स्लिप। ओए भाई ध्यान से, सीधे स्लिप हुआ तो सीधा गाँव पहुँचेंगे उधर। जो बेंच बनाए हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के, फिर ड्रॉ किया हुआ है ट्रांसपेरेंट बोर्ड पे, और जब आप इस बेंच पे बैठते हो तो इसको अलाइन करते हो तो वो सारा मैप आपको विजिबल हो जाता है। वाओ यार इतना स्टीप है, हल्का सा यहाँ से स्लिप हो बंदा तो वो सीधा नीचे। ख़तरनाक नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, बस रोड तक जाएगा, बट स्टिल स्लिप होना क्यों है। और इसके साथ ही हम लोग पहुँच गए हैं यार गंडोला के अंदर। आई थिंक ये वही गंडोला जिस पर हम आए थे, नहीं हम रेड वाले पे आए थे, अब ये येलो वाला है। अब इस बार ऊपर नहीं बैठेंगे क्योंकि इसका फेस उस तरफ होगा, यहाँ पे आउटसाइड है नहीं तो इसलिए। और हमने कितना नीचे जाना है यार। ओए और मज़े की बात ये है कि जाते हुए इसकी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रेविटी भी असर कर रही होती है, तो काफ़ी तेज़ स्पीड होती है। और ये जाते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए जाते हैं तो फिर मज़ा आएगा। वैसे तो फ्रंट सीट पे बच्चे बैठ गए, बच्चों को क्या उठाए, बट देखो आप वो घर बिल्ड कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। यार लिटरली वो जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पे घर की छत डालने में हेल्प कर रहा है। इमेजिन करो
यार हेलीकॉप्टर यहाँ पे घर बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब सही बात है, ट्रक शक तो यहाँ पे आ नहीं सकते, हेलीकॉप्टर से सामान आता है, और अभी वो उसकी घर की छत डाल रहे थे यार, सो अमेजिंग यार। वो उधर थे हम, और उसके बाद हाइक करके उससे भी ऊपर गए थे। वन सेकेंड, हम लाहौर से बनन पहुँच चुके हैं, थर्ड राउंड में देखते हैं यार हमें वाटरफॉल पे जाने का मौका मिलता है कि नहीं। यार वो पहाड़ों में पता नहीं नज़र आ रहे कि नहीं, एक स्विस फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी मज़े की वाइब दे रहा है। वैसे पाकिस्तान में तो हर पहाड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झंडा या तो पेंट किया होता है या बनाया होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक नज़र आ रहा है और वो काफ़ी यूनिक सा मज़े का लग रहा है। ये वाला होटल रात में देखा था, अलग वाइब दे रहा था, और दिन में भी इसकी वाइब कुछ कम नहीं है। इस वाटरफॉल पे आने के दो टाइम हैं, या तो तब आओ कि जब बिल्कुल सारे जा चुके पर तब लाइट नहीं होगी, या तब आओ जब सुबह सुबह कोई भी नहीं है। इतना हाइट पे चढ़ के इतने रश में जाके वो पिक्चर लेने का मज़ा नहीं आता। अभी फ़िलहाल कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। सही, खाना मिल गया? हाँ, ये चार रोल पकड़े, ये देख, ये देख मैंने के लिए। अच्छा, वो आपसे मैं वो रात की चीज़ें ले आया उस कॉफ़ी शॉप के साथ, क्योंकि वहाँ पे मिलती नहीं है यार अपने वो व्यंजन में, रात को सब टोटली बंद हो जाता है, तो हमने कहा यार आज एडिटिंग करते हुए वो सारा उसके साथ ये कॉफ़ी के लिए सामान शामान ले लें जब तक शेख जो है वो खाना ले रहा है। होटल जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। आई थिंक कोई जुकुजी वुकुजी में बैठ के व्यू शू इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जब से आए भागे जा रहे हैं, रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिला। अब जुकुजी में बैठ के पहाड़ों का व्यू इन्जॉय करते हैं, रिलैक्स करने का प्लान है, लेट्स सी क्या होता है। मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी पता चला, ये हमारा होटल है और वो सामने वो जो है वो वाटरफॉल है जो अभी हम देख के आए हैं, वो हमारे होटल से नज़र आता है, हमें पता ही नहीं था। ग्रीनरी है ना सारी, मतलब जब हम आए थे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन थी, लश ग्रीन था, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड आने लग गया, ऑटम काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तीन दिन में मतलब धूप रही है, बारिश वारिश हुई नहीं है। किसी ने लिखा हुआ था कि यार कमेंट में और रेनकोट लेके जाना, ऑल्दो हम ले आए थे लेकिन ज़रूरत पड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर पड़ी होती तो हम लोग प्रिपेयर थे। फिलहाल अपना खाना खाते हैं, ताकि जो है वो वाइब क्या खा रहे हैं सामने बैठ के, भाई खा रहे चिकन गायरो और मैं खाने वाला हूँ चिकन कबाब। और उससे पैराशूट नीचे आता हुआ बंदा, मतलब यार तबीयत खुश हो जाती है, ये वाइब भी और मतलब सब कुछ यार जस्ट परफेक्ट बैठ रहा है। स्विट्जरलैंड में बैठ के शेख ने अपना वर्क स्टेशन खोला हुआ है, मेरा उधर वो व्लॉग वाला सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर में एडिटिंग करनी है, टाइम पे मिलेगा व्लॉग उसकी फिक्र नहीं है, और शेख ने कॉफ़ी और चाय का जुगाड़ भी कर लिया है। भाई ये देख प्रॉपर कॉफियाँ कहाँ से, ये बताऊँ ये मनासे से उठा के ले आया था रात को, फिर किसने चाय बनानी है, इतने मज़े के माहौल में चाय जब पियेंगे रात को साथ केक ही तरह वाला, नाश्ते वाली चाय उठा के ले आया ताकि यार बस सही है, ऐसे करना चाहिए। ये उठा के भी इसको हम रखते हैं यहाँ पे। चल अच्छा यार हम लोग आए यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि इतने देर से होटल में हम रुके हुए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा इसको भी एंजॉय किया जाए। वो रागी क्या किया तूने वो यार वो सामने स्विमिंग
गया इस व्यू की मैं बात कर रहा था और यहाँ पे स्विमिंग हॉट एयर एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया, आ जा। नहीं होगा कि गर्मी है, सर्दी है। क्या मज़े का सीन हो गया यार, जकूजी में जाके सामने वो माउंटेन्स का एक्सपीरियंस और एक मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है, वो वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती। अभी बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है तो हम अपना खाना खाने वाले हैं। ये गायरो है जो कि चिकन और चिप्स और वो बेसिकली जो मेरी शॉर्मे की रेसिपी थी ना, चिप्स और डोनर और रैप डाल के, वही वाली है, इसको गायरो बोलते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल क्या करते हैं कि यार आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ एक नए सफ़र पे। तो फिर एज ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।